हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद शिप्रा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। ब्रेड पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। बच्चे वैसे तो वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते, बट अगर आप बच्चों को ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनाकर खिलाएंगे तो बच्चे वेजिटेबल्स को भी बहुत ही शौक से खाएंगे और वो इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम पहले एक सॉस तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पर ये 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप ले रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस ले रही हूँ और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ये शेजवान सॉस ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आपके पास जो भी सॉस अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी सॉस तैयार हो गई है। अब हम वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर और ये मैंने यहाँ पर हाफ रेड बेल पेपर लिया है और 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर ये स्वीट कॉर्न ले रही हूँ। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं या आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सबको हम एक बाउल में डालेंगे। अब मैं इसमें यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर ये मिक्स्ड हर्ब्स ऐड कर रही हूँ। इन सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमारा वेजिटेबल का मिक्सचर भी रेडी हो गया है। अब हम ब्रेड को दोनों साइड से हल्का सा सेक लेते हैं। ब्रेड को सेकने के लिए मैं तवे पर थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ। तो हमें दोनों साइड से बस हल्का सा ही सेकना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। ब्रेड हल्का सा ब्राउन कलर की हो गई है, बस हमें इसको इतना ही सेकना है। अब हम अपना पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं। हम पहले ब्रेड पर ये चीज़ स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपके पास चीज़ स्प्रेड नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह बटर भी लगा सकते हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा सॉस स्प्रेड कर लेंगे जो कि हमने बनाकर रखा था। तो हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस हल्की सी लेयर लगानी है। अब हम इसके ऊपर ये वेजिटेबल का मिक्सचर लगाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये मोजरेला चीज स्प्रेड करेंगे और इसको मैंने क्रश करके रखा हुआ है, इसको हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। हमने चीज को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ये चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब हम तवे पर थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं और ब्रेड पिज्जा को हम तवे पर रख देते हैं। अब हमें इसको इस लिड से कवर करना है और इसको हमें बिल्कुल धीमी आंच पर चीज के मेल्ट होने तक सेकना है। हमें गैस को बिल्कुल धीमा रखना है, गैस बिल्कुल भी तेज नहीं होनी चाहिए। अगर हीट तेज होगी तो ब्रेड नीचे से जम जाएगी। चीज मेल्ट होने में 2 से 3 मिनट लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, चीज अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमारा ब्रेड पिज्जा बनकर एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बनकर तैयार है ब्रेड पिज्जा। तो आप भी इसे एक बार जरूर बनाइएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।